एक ये बड़ा पड़ा है जो कि मैं नीचे फेंकने जा रही हूँ। ये मेरी चाय मेरा इंतज़ार कर रही है पीने के लिए, इसे अभी पीती हूँ। ये एक मैंने मशीन ख़रीदी है, इसको कहाँ से ख़रीदा है वो भी आप लोगों के साथ अभी के अभी बताती हूँ। इसका मैं बहुत ही इंतज़ार कर रही थी इसका। मैंने पहले कोई एक साल पहले इसका देखा था किसी मार्केट में, जब मैं लेने के लिए गई दोबारा तो ख़त्म हो चुकी थी और वो बहुत महंगी थी। और नाम भी उस स्टोर का बता दूँगी, अगर कोई बहन या भाई देखता होगा तो उसको पता होगा कि वो स्टोर कितना महंगा है। चलिए, उम्मीद करती हूँ इतनी देर में आपने मेरे यूट्यूब चैनल #era को सब्सक्राइब कर दिया होगा और लाइक और शेयर तो भी कर दिया होगा। तो ये देखें जी फाइनल रिजल्ट, फाइनल लुक चना चाट की, जो कि बहुत इजी है, बहुत जल्दी बन जाती है। अगर आप चाहें तो 5 मिनट में भी तैयार करके आप खा सकते हैं, इसे सेव भी कर सकते हैं 2 दिन के लिए। तो ये फाइनल रिजल्ट है, आप भी बनाइए, खाइए और कमेंट सेक्शन में आके अपनी राय का भी इजहार लाजमी कीजिएगा। मैं मिलूंगी आपको किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। मीडिया मार्क में यही मशीन, इसी तरह के डबल कटर की मैंने मशीन देखी थी 50 यूरो की, और ये मुझे मिली है सिर्फ और सिर्फ 10 यूरो की। और मिली कहाँ से है वो भी बता देती हूँ, एक्शन से। तो एक्शन से मिली है तो मैंने ये जल्दी से लिया। इसका मैं भी आपको इसलिए बताने लगी हूँ कि आप लोगों को भी अगर कम पैसों में भी किचन की चीज़ें खरीदी हैं तो आप जाके ख़रीद सकते हैं एक्शन से। बड़ी अच्छी है, 2 साल की गारंटी है, यहाँ आप देख सकते हैं ये 2 साल की गारंटी है। लेकिन 1 साल भी चल जाए 10 रुपये में तो क्या होता है। ये छोटी सी डिब्बी है इसके साथ, इसके अंदर मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट बनाया था, यकीन करी इतना अच्छा बनाया ना कि बता नहीं सकती। इसके ऊपर इस तरह का स्टैंड रखा हुआ है, वो मैंने अंदर रखा है, वो भी शेयर करती हूँ आप लोगों के साथ। तो अभी मैं इसके साथ ही रेसिपी बनाने लगी थी, चना चाट की रेसिपी। प्याज और टमाटर जो है इसके साथ ही हम कटिंग करेंगे। तो चलिए, आपको देखते रहना है सारी वीडियो। तो हम मैं रख लेती हूँ दूसरी चीज़ें, और अगर आप भी लेना चाहें तो वहाँ से जाके ले सकते हैं। ये मैं सिर्फ उन बहनों को कह रही हूँ जो नई नई आई हैं बाहर, तो उनके पास इतने पैसे नहीं होते किचन मैनेज करने के लिए, तो वो सस्ती वाली चीज़ें भी महंगी क्वालिटी की ले सकती हैं। तो चलिए, अब हम रेसिपी की तैयारी करनी शुरू कर देते हैं। ये जी काले चनों की चाट की रेसिपी लेके आई हूँ। डाइट के दरमियान भी आप खा सकते हैं, नॉर्मल दिनों में भी आप खा सकते हैं। ये बहुत अच्छी होती है, हेल्दी होती है, और इसमें डालने वाली हेल्दी चीज़ें जो हैं वो बहुत ही कम मकदार में डालें, जो अगर आप डाइट कर रहे हैं या क्लीनिंग कर रहे हैं, या आपको लेना है 4 बजे की चाय के साथ छोटा सा स्नैक। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है पहले वो बता देती हूँ। मैंने एक कटोरी ले लिए हैं यहाँ काले चने, या एक छन्नी कह लें, 100 ग्राम बन जाते हैं अगर नाप करें तो। एक बड़े वाला टमाटर मैंने रखा है, टमाटर जो है वो बहुत अच्छा होता है वेट कम करने के लिए, स्किन ग्लो करने के लिए। इसके अलावा जो है जितनी भी आपकी प्रॉब्लम होती है ना दानों की, स्किन केयर की, तो वो खाने से बहुत अच्छी, ये भी डालें, वैसे कच्चा भी खाया करें। एक अदद प्याज है, प्याज मैं यहाँ रेड ले रही हूँ, अगर आप चाहें तो आप वाइट वाला भी प्याज ले सकते हैं, या आपको। इसके अलावा मैंने ले ली है जी दलदली मिर्ची ले ली है, बहुत कम है, हसबे ज़रूरत, चम्मच के साथ आपको दिखा रही हूँ। अगर आप टेस्ट हैवी पसंद करते हैं, ज़्यादा चटपटा करते हैं, तो उसे कम कर दें, क्योंकि जब वो वेट कम करते हैं या पेट ख़राब होते हैं ना, तो उस टाइम हमें ज़्यादा जो है मसाले याद नहीं डालने चाहिए। इसके अलावा करवंजी है जी, वो भी उतनी है थोड़ी सी, और एक स्पून जो है ब्लैक पेपर डाल रही हूँ। ब्लैक पेपर भी हमारा वेट कम करती है, हमारी स्किन को अच्छा करती है, और जो पानी एक्स्ट्रा हमारा वाटर होता है बाटी में उसे भी कम करती है। थोड़ा सा चाट मसाला ले लिया है, इसी हिसाब से लिया जिस तरह आपको चम्मच नज़र आ रहे हैं। और यहाँ मैंने ले लिया है जी, ये भी वेट कम करने के लिए बहुत अच्छी है, इसको भी ज़्यादा नहीं डालना अगर गर्मी है। अगर गर्मी है जी दालचीनी, ये हसबे ज़रूरत है, या अपने टेस्ट के हिसाब से कम से ज़्यादा कर सकते हैं। इसमें जाएगा जी एक लेमन, और हसबे ज़रूरत नमक, जो कि हम बाद में ऐड करेंगे मिक्स करने के बाद। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले प्याज और टमाटर को हम छोटा छोटा कटिंग में काट के स्लाइस कर लेते हैं। मैंने टमाटर और प्याज को काट के इस तरह स्लाइस में रख दिया है। अब इसके अंदर ऊपर लगा देते हैं ढक्कन, और आपको ये मैं इसलिए दिखा रही हूँ करते वक्त कि जो मैंने मशीन आपको दिखाई है कि मैंने ली है जी एक्शन से, आप उसका भी देख सकते हैं रिज़ल्ट, और अगर आप ख़रीदना चाहते हैं तो ख़रीद सकते हैं। ये लॉक हो गई है, अब इसे हम चलाना है। इसका बड़ा इजी बटन है, ये इधर उधर दबाएंगे और साथ में जितना हम चाहते हैं उतनी देर कर सकते हैं। देखिए छोटे छोटे पीसेस में जो चाहिए उसी तरह हम कर लेते हैं।
इस तरह से हमें लिक्विड चाहिए। चलिए जी, अब हम इसको बॉल में डाल के भी दिखा देते हैं आपको। अगर आप मोटा मोटा थोड़ा सा रखना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं, क्योंकि मुझे जो है बिल्कुल स्मूथ सा पेस्ट पसंद है, तो उस हिसाब से मैंने ये काट लिया है बिल्कुल मिनी मिनी से। अब इसमें हमने हसब ज़रूरत या टेस्ट के हिसाब से थोड़ा सा नमक ऐड कर देना है। इसको एक दफ़ा मिक्स कर दिया सब चीज़ों को। यहाँ जितने मसाले मैंने आपको बताए हैं वो भी सारे ऐड कर दिए हैं, नमक भी ऐड कर दिया है। इसके अलावा चने हैं ये भी हम मिक्स कर देते हैं, और इसके अलावा एक दो चीज़ और जाएंगी। पहले इसको मिक्स करके हम रख लेते हैं, फिर मैं साथ साथ में आपको ये बता दूँ। जब स्मूथ सा पेस्ट जो है प्याज का और टमाटर का हमारे मुँह में जाता है ना, तो इसका बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। इसके अलावा जो है ना जी, हम इसको साइड पर करके तो दूसरी चीज़ें जो है वो इसके अंदर मैं आपको दिखा देती हूँ और कौन कौन सी चीज़ें जाएंगी इसके अंदर। चलिए, ये बिल्कुल अच्छी तरह से मिक्स हो गया है। ये मसालों को इक्वल होने में 4 से 5 मिनट लगेंगे, उतनी देर में मैं आपको दिखा देती हूँ दूसरे इसमें क्या चीज़ें जाएंगी जो कि मैंने आपको अभी दिखानी है। थोड़ा सा मैं डालूँगी रुकला, अगर आपके पास है तो ठीक है, वरना आप आइस सलाद का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये मैंने यम्बो से ख़रीदा है, आप जहाँ से चाहें वहाँ से ख़रीद सकते हैं। इसके अलावा इसके अंदर थोड़ा सा जाएगा ये धनिया, हम कहते हैं लेकिन ये धनिया नहीं है, इसका नाम है सदराई। बिल्कुल धनिया की तरह दिखती है लेकिन इसका खुशबू और टेस्ट जो है थोड़ा सा डिफरेंट होता है। ये भी थोड़ी सी जाएगी, अगर आपके पास ये नहीं है तो आप धनिया का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। ये भी मैंने यम्बो से ही ख़रीदा है, आप किसी भी स्टोर से ईज़िली मिल जाता है, वहाँ से ले लीजिए। और आधा घर जाएगा खीरा, और थोड़ा सा टमाटर मैंने साइड पे रख लिया था, थोड़ा सा मोटा जो है नज़र आने के लिए, डेकोरेशन के लिए। और लेमन भी यहाँ मेरे पास है, वो भी देख ले, तो आधा लेमन जाएगा इसके अंदर। सारी चीज़ें मैंने इसमें जो टमाटर साइड पे रखा था वो भी डाल दिया, और खीरा भी और थोड़ा सा धनिया भी। चले जी, अब इसको हम आधे लेमन के साथ मिक्स कर देते हैं, या 5 से 6 ड्रॉप्स भी डाल सकते हैं आपके टेस्ट के हिसाब से। अगर आपको एलर्जी नहीं है, अगर आपका गला ख़राब नहीं होता तो ये फिर आप सारा डाल लें, वरना 3 से 4 ड्रॉप्स भी बहुत है थोड़ा सा सब मसालों को इक्वल करने के लिए और उसका टेस्ट बढ़ाने के लिए। चलिए जी, अब इसे मिक्स करके हम कर लेते हैं डिश आउट, फिर आपको फाइनल लुक दिखाते हैं। उतनी देर में आप मेरे यूट्यूब चैनल को #era को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और बेल का आइकन भी दबा दें, ताकि नई आने वाली वीडियो आप तक बरवक्त पहुँच सके, मेरा और आपका रब्ता बरकरार रहे। चलिए जी, उम्मीद करती हूँ इतनी देर में आपने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा, एरा को लाइक करें, शेयर करें, और ये देखें जी फाइनल लुक नहीं है।